IQ जो कि Realme X50 Pro के बाद दूसरा इंडिया में 5G मोबाइल बना, तो आज हम बात करेंगे कि कैसे IQ बेस्ट स्मार्टफोन कैटेगरी में आता है, जो कि हर वर्क कैटेगरी के लोगों के लिए, चाहे वो गेमर हो, चाहे वो क्रिएटर हो, या फिर हैवी वर्क करने वाला कोई ऑफिस में ऑफिसर हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसकी ऑफिशियल प्राइस। तो इसका 8 GB ऑफ रैम और 128 GB वेरियंट आपको मिलेगा 34,990 रुपये में, 8 GB रैम और 256 GB स्टोरेज आपको मिलेगा 37,990 रुपये के अंदर। ये दोनों ऑप्शन जो थे वो 4G नेटवर्क सपोर्ट के थे, और 5G नेटवर्क में आपको मिलेगा 12 GB ऑफ रैम और 256 GB स्टोरेज, जो कि आपको 44,990 रुपए में मिलेगा। तो आप अपने वर्क रिक्वायरमेंट और बजट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा लेना है। तो बात करते हैं कि ये स्मार्टफोन बेस्ट क्यों है। तो ये जो मोबाइल आपको मिलेगा वो टॉप हाई परफॉर्मेंस और लेटेस्ट एंड यूनिक फीचर्स के साथ में मिलता है। जब बात आती है बेस्ट स्मार्टफोन की, तो सबसे पहले उसकी परफॉर्मेंस पावर को देखा जाता है। तो इसके अंदर आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन का फ्लैगशिप चिपसेट 865, जो कि अभी तक का सबसे टॉप चिपसेट में शामिल है, जो कि बहुत ही पावरफुल, और मतलब आप दबाकर मल्टीटास्किंग का मजा ले सकते हैं बिना किसी लैग्स को फेस किए हुए। इसमें आपको स्टोरेज के साथ में LPDDR5 और UFS 3.1 टेक्नोलॉजी का सपोर्ट भी मिलता है, जो कि इसकी स्पीड को एक्सट्रीम लेवल पर लेकर के जाता है, की मदद से इसमें जैसे कि फाइल ट्रांसफर, मल्टीटास्किंग, कैच स्पीड लगभग 5,500 Mbps तक बढ़ा देता है। और जब परफॉर्मेंस की बात चल ही रही है, तो डिवाइस की बैटरी सबसे मेन इक्विपमेंट होती है, जिससे कि डिवाइस चलती रहती है। दोस्तों इसमें आपको मिलती है 4,440 mAh की लॉन्ग लास्टिंग बैटरी, जो कि 55W फास्ट चार्ज सपोर्ट करती है, जो कि मतलब बहुत जल्दी फास्ट चार्ज हो जाती है। बात करें अदर स्पेसिफिकेशन की, तो इसकी डिस्प्ले होगी 6.44 इंच बड़ी सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि 60Hz रिफ्रेश रेट पर वर्क करेगी, जिसका 91.40% स्क्रीन टू बॉडी रेशो हुआ है। दिखने में बहुत ही कूल लगती है। डिस्प्ले पैनल होने की वजह से इसमें सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। इसका सबसे यूनिक फीचर है इसमें दिए गए मॉन्स्टर टच बटन, जो कि गेमर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल होते हैं, जो कि फ़ोन फ्रेम्स के दोनों साइड में दिए गए हैं। इसी के साथ इसमें 4D वाइब्रेशन फीचर भी दिया गया है, जो कि गेम को एक रियलिस्टिक फील देने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मतलब ये कि गेम्स और परफॉर्मेंस के अलावा ये फ़ोन फोटोग्राफी में भी बहुत ही अच्छा सेटअप दिया है, फोटोग्राफी में भी बहुत अच्छा कमाल करेगा। बात करें इसके कैमरे की, तो 48 MP क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है। तो इसका प्राइमरी कैमरा जो होगा वो 48 MP, सेकेंड 13 MP टेलीफोटो लेंस, तीसरा 13 MP वाइड एंगल लेंस, और फोर्थ होगा 2 MP बुके इफेक्ट के लिए। बैटरी चार्जर एक कैप्सूल की शेप में आता है, जो कि गेम प्ले करते टाइम में आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। मतलब कि एक तरफ बैटरी चार्ज हो रही है मगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। तो ये भी बहुत ही, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि इसे बेस्ट स्मार्टफोन बनाती हैं, जो कि इसकी यूजेबिलिटी को बढ़ा देती हैं। अच्छी बात है। और इसमें गेम्स, फोटोग्राफी का शौक रखने वाले लोग, ऑफिस वर्क में वर्क करने वाले लोग भी हैं पर्सन, यूज़ कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। मतलब कि जो भी उनकी नीड होती है, वर्सेटाइल नीड, वो इस फ़ोन के अंदर फुलफ़िल हो जाती है। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।